काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिला में तेजी से विकास काम चल रहे हैं और अब रीवा के विकास में चार चांद लगावे के खातिर 3 औद्योगिक इकाई के लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जबकि 7 के भूमि पूजन किएगा। बता दें कि औद्योगिक इकाई के साथ साथ रीवा में रोजगार के नया द्वार खुल सके ही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव के शुभारंभ के दौरान रीवा का यह सौगात दिन गए। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभाजन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दी कि विकसित मध्य प्रदेश और औद्योगिक विकास रोजगार के उपलब्धता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा उज्जैन में पहल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के शुभारंभ किएगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 169 उद्योगपति का 6774 करोड़ के भूमि आवंटित किएंगे। यह अवसर में 8000 करोड़ से अधिक के उद्योग के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जहाँ प्रदेश में 17000 से अधिक लोग उनका रोजगार मिल सकी। रीवा जिला के उद्योग विहार चोरहटा इंडस्ट्रियल एरिया में सांसद जनार्दन मिश्र के द्वारा 3 इकाई के लोकार्पण और 7 इकाई के भूमि पूजन किएगा। यह अवसर में अध्यक्ष नगर निगम वेंकटेश पांडे, कलेक्टर प्रतिभा पॉल उपस्थित रही। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र के द्वारा कहा गया कि बुनियादी संरचना के उपलब्धता के कारण रीवा में उद्योग स्थापना में वृद्धि हुई है। जिला में शासन और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि के समन्वय से उद्योग स्थापना के खातिर सकारात्मक वातावरण बना है। रीवा का कनेक्टिविटी के लाभों मिल रहा है, जैसे नवीन उद्योग की स्थापना हो रही है। सांसद के द्वारा कहा गया कि रीवा जिला में सिंचाई के सुविधा के विस्तार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयास से अधोसंरचना निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, जिससे अन्य राज्य के उद्यमी आकर्षित हो के अपने उद्योग स्थापना में रुचि दिखा रहे हैं। रीवा की अगर बात की जाए तो यहाँ गुड़, मऊगंज, हनुमना, त्योथर, डभारा आदि स्थान में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करके मूलभूत सुविधा के पूर्ति की जाला है, जैसे अधिक से अधिक उद्यमी अपन इकाई स्थापित करा और स्थानीय लोगों का रोजगार के लाभ मिल सके। उनके द्वारा आगामी वर्ष खातिर रीवा में नवीन उद्योग की स्थापना वरदान शहर खातिर साबित हुई या कहा गया। यह अवसर मान नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के द्वारा कहा गया कि सांसद जनार्दन मिश्र और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में रीवा और विंध्य के विकास के धारा में निरंतर आगे बढ़ोतरी हुई है। वो दिन दूर नहीं जब रीवा औद्योगिक हब के तौर पर जाना जाए लगी। यह अवसर में कलेक्टर प्रतिभा पॉल के द्वारा कहा गया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संबंधित क्षेत्र में उद्योग का बढ़ावा दे में सहायक सिद्ध हुई। बड़े बड़े उद्योग के साथ साथ MSME के इकाई स्थापित हो सकी, जिनके द्वारा कहा गया कि निर्माण इकाई जीविका के साधन देती हैं। बता दें कि रीवा जिला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र जावा, त्योथर, हनुमना, दभारा, सिरवार में उद्योग स्थापना के खातिर भूमि के चयन कई के इनका MPRDC का प्रदान किया जा रहा है, ताकि पर्याप्त मात्रा में जमीन की उपलब्धता रहे और उद्यमी अपनी सुविधा के अनुसार औद्योगिक इकाई के स्थापित कर सका। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।